क्वेश्चन अटेंड किए, तुमने कितने किए? 86 कर दिए, 86 क्वेश्चन कर दिए, बहुत बढ़िया, एक नंबर। जीडी के जो पेपर देने आए हैं आप, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? नहीं पता, वो तो पूछेंगे तो पता चलेगा। जैसा जाएगा सर, कोई तैयारी नहीं की तो अब तो 45,000 में तुम्हारा नंबर आएगा नहीं आएगा? कहाँ से आना, वैसे भी तो नहीं आना। पास हो जाते तो फिजिकल के लिए क्या करने वाले हैं आप? सर फिजिकल के लिए 4 सेकंड भी आपके पास आएंगे। गुड लक। नमस्कार, जय हिंद। एसएससी जीडीयू के रिव्यू कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं उन कैंडिडेट को जो कि कर रहे हैं इंतजार एग्जाम से पहले। जानते कैंडिडेट से नहीं, तेरे को ही बताना पड़ेगा। क्या पेपर देने आया है? नहीं, दिलवाने आया है? हाँ, दिलवाने। किसको? भाई को। भाई को दिलवाना है। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल आवाज से। पेपर देने आए हो? हाँ। कोई घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं। कहाँ से पढ़ के आए हो? खरगोन से पढ़ के आए हो? चलो बढ़िया है। अभी क्या लग रहा है, कैसा आएगा पेपर? अभी तो नहीं पता, लेकिन अगर अच्छा गया तो फिर अच्छा गया तो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू गुजर। सोनू गुजर, कहाँ के रहने वाले हो? भिंड के रहने वाले हो। अच्छा, पेपर देने आए हो? जी सर, पेपर देने आए। अभी पेपर नहीं हुआ, कौन से शिफ्ट में? थर्ड शिफ्ट में। क्या है फिर पेपर, कैसा रहेगा आज का तुम्हारा? सर अच्छा ही रहेगा, जैसे कि एसएससी के लिए तैयारी तो नहीं की थी, बस ऐसे ही एग्जामिनेशन देने के लिए फॉर्म डाल दिया था। एमपी पुलिस की तैयारी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जैसा आएगा वैसा देंगे सर। तैयारी नहीं की है? नहीं सर, तैयारी करी नहीं है तो फिर पेपर कैसा जाएगा? घबराहट तो नहीं हो रही आप लोगों को? बोल तो पा नहीं रहे हो आप, घबराहट तो नहीं हो रही है? मुझे नहीं लगता है कि इनको घबराहट हो रही है, क्योंकि बोल ही नहीं पा रहे। घबराहट लड़के बोल रहा हूँ, घबराहट तो नहीं हो रही है एग्जाम से पहले? अरे घबराहट तो नहीं हो रही है? नहीं। जैसा जाएगा सर, कोई तैयारी नहीं की तो अब तो 45,000 में तुम्हारा नंबर आएगा नहीं आएगा? कहाँ से आना, वैसे भी तो नहीं आना। 1,00,000 होते तो भी नहीं आता? 1,00,000 होते फिर भी नहीं आता? नहीं आना। हाँ तो फिर पेपर पढ़ के नहीं, पढ़ के नहीं आओगे तो 1,00,000 या 10,00,000 आ जाए तो भी नहीं आएगा। हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतनी है। हाँ चलो लड़कियों से पूछते हैं, क्या नाम, क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ के रहने वाले आप? नहीं, एग्जाम्स देने से पहले कोई टेंशन तो नहीं हो रही आपको? नहीं। मैडम आपका नाम क्या है, आप शर्मा क्यों रही हो, बताइए। एग्जाम्स देना है आपको? नहीं। आपको नहीं देना है एग्जाम? अच्छा, कोई घबराहट नहीं है अभी आपको? नहीं। कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितने मतलब कि एसएससी जीडी में जो सिलेबस है वो क्या है ये बताइए मुझे आप। ज्यादा तो नहीं। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, एसएससी जीडी के जो पेपर देने आए हैं आप, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? नहीं पता, वो तो पूछेंगे तो पता चलेगा। अजीब प्रकार के कैंडिडेट। अच्छा आपको पता है क्या क्या पूछा जाएगा? मैथ्स, रीजनिंग और जीके पूछा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है। अच्छा चलो, इनको तो पता है कम से कम। आप भी एग्जाम देने आए? अच्छा, पढ़ाई करके आए अच्छे से? अच्छा, कितने क्वेश्चंस आएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में? 80 आएंगे। कितना टाइम मिलेगा आपको? 60 मिनट मिलेगा। क्या नाम है आपका? विनती। अच्छा, कैसे क्या मैनेजमेंट करेंगे आप? ऐसा बोल रहे काफी कैंडिडेट कि टाइम कम पड़ रहा है, 60 मिनट 38 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? सर मैं तो कर लूंगी, अगली बार भी एग्जाम देंगे। पहले आप कौन सा भाग पहले अटेंड करेंगे, हिंदी करेंगे, रीजनिंग करेंगे, जीएस जीएस या फिर गणित? पहले गणित, पहले रीजनिंग करूंगी, उसके बाद में हिंदी। लेकिन लेकिन बेटा ऐसा बोल रहे हैं कि रीजनिंग अगर पहले करते हम तो वो एक थोड़ा लॉजिकल होता है, वो टाइम ज्यादा ले लेता है, तो फिर क्या करेंगे आप? सर ने यही बताया था, पहले रीजनिंग ही करना। पहले रीजनिंग ही करना, हाँ, फिर उसके बाद में हिंदी करना, फिर उसके बाद में जीएस और फिर उसके बाद में मैथ। क्या लगता है आपको कितने क्वेश्चंस कर देंगे जिससे सिलेक्शन हो जाएगा आपका? सर मेरा तो उसमें कंफर्म लग रहा है कि मेरा अच्छा। अच्छा, उधर के कैंडिडेट काफी हंस रहे हैं कि हमारे पास नहीं आ रहे सर, चलिए अभी इनके पास ही जाता हूँ मैं। देखो एक तो निकल लिया धीरे से। क्या नाम है आपका? जितेश। जितेश, एग्जाम देने आए आप? नहीं, दिलवाने आए। किनका एग्जाम से? भाई अंदर अंदर है ऑलरेडी, वो एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा आप एग्जाम देने आए? फिर कौन आए? सिस्टर आए। आप एग्जाम देने आए? अच्छा बताइए क्या सिलेबस है? मैथ्स, रीजनिंग। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, हिंदी। कितने क्वेश्चंस आएंगे टोटल? टोटल 80 में से 80 तुक्का लगा के आएंगे या फिर क्या करके आएंगे, क्या करने आएंगे? करके आएंगे पक्का? करके जाओगे? अच्छा फिजिकल के लिए क्या करोगे? फिजिकल। अच्छा पहले ये निकलेगा फिर इंतजार करोगे? अधिकतर अधिकतर बेरोजगारियों की यही समस्या है कि एक तो निकले फिर दूसरे पे हम देखेंगे। हाँ जब आपको ये पता है कि यार एसएससी जीडी रिटन एग्जाम्स लेता है, फिजिकल लेता है, तो दोनों चीजों की तैयारी साथ में क्यों नहीं करते हो आप? करते हैं पर रनिंग नहीं करते। रनिंग नहीं करते हैं? हाँ। बस करते हैं दोनों चीजों की तैयारी लेकिन रनिंग नहीं करते। चलिए और भी कैंडिडेट से मैं आपको मिलवाता हूँ जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम देने आए। आप भी आए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आए एग्जाम देने। अगर एग्जाम देने गए तो हम 20 सेंटर पे खड़े हैं। आप देने आए एग्जाम? आप देने आए एग्जाम?
अच्छा चलिए ठीक है, आपसे पूछता हूँ, अभी कुछ घबराहट तो नहीं हो रही आपको एग्जाम देने से पहले? नहीं, कोई घबराहट नहीं हो रही? क्या बात है, मतलब प्रिपरेशन करके आए, तैयारी करके आए? नहीं, मेरा फर्स्ट है। सॉरी, क्या बोल? फर्स्ट है, पेपर है, पहली बार पेपर दे रहे हैं, फिर भी कोई घबराहट नहीं है? क्या बात है, क्या नाम है आपका? सीमा सोलंकी। सीमा सोलंकी, वाह यार, जितने भी लोग है ना सीमा सोलंकी जी, एक कमेंट जरूर कर दीजिए, इसे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही और पहली बार एग्जाम दे रही है। अच्छा, कंप्यूटर पे एग्जाम देना है आपको, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन भी करना है आपको, फिर कैसे करेंगे आप? जो आएगा वो कर देंगे, जो आएगा वही करेंगे, तुक्का तो नहीं मारेंगे? नहीं। पक्का? चलो और भी आगे कैंडिडेट के पास चलते हैं, काफी लड़कियां हंस रही है इधर। क्या नाम है आपका? मेरे एग्जाम्स नहीं है, मैं साथ आई हूं। अच्छा, अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि मैं एग्जाम, मेरे एग्जाम नहीं, आपके एग्जाम है मैडम? आप भी दिलाने लाए हैं, चलिए, ये सिंसियर दिख रहे थोड़े। क्या नाम है आपका? मनीष पटेल। आप चश्मा लगा लीजिए, अच्छे हैंडसम दिखेंगे इसमें। अरे लगा लीजिए, जब रखा है तो। एग्जाम भी देने नहीं आनी है। अच्छा, एग्जाम। क्या नाम है आपका? अभिजीत वर्मा। अभिजीत को दे दीजिए चश्मा। अभिजीत नहीं लगाना, अभी इनको हीरो नहीं बनना है, इनको बनना है एसएससी जीडी एग्जाम्स क्लियर करना है। तारीख को मैं तो दिलवाने लाया यार, सभी दिलवाने लाए, मैं यहाँ पर अभी उनसे बोलूंगा बीएसएफ। अच्छा चलो, इसी बीच एग्जाम छूट चुका है, चलिए कैंडिडेट से जानते हैं। अब ये भी भगना स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से इनके पेपर गए? पेपर हो गए आपका? कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? इधर आ जाओ, कितने क्वेश्चन अटेंड किए तूने? मैंने 60। हिंदी का कोई क्वेश्चन बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो अभी? भगना नहीं है हिंदी में सर, आप कस्टम शब्द वाले याद आ रहे हैं अपने पास। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद रहा? मैथ्स के वगैरह के रह गए। मैथ्स में कहाँ से पूछा गया? बेटा इधर आ जाओ। परसेंटेज लाभ हानि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन अटेंड किए तुमने? कितने किए? 86 कर दिए। 86 क्वेश्चन कर दिए, बहुत बढ़िया, एक नंबर। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, अच्छा नाम बहुत अच्छा है आपका, पूनम। कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? 68 क्वेश्चंस किए। ये बताइए, हिंदी या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन पता है आपको? कहाँ जा रहे हो, इधर आओ तुम लोग। सरलीकरण से काट आए, सरलीकरण से 4 क्वेश्चन आए थे और नंबर सीरीज से आए थे, और बाद में जो श्रेणी रही थी उससे आए थे 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पता है क्या आपको? करंट अफेयर से, इधर आइए। आना सर, वो तो नहाने जा रहा है अभी। चलिए और कैंडिडेट को मैं लेकर आता हूँ आपके पास में। एसएससी जीडी का ये एग्जाम सेंटर है जहाँ पर से बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? 68। कोई हिंदी का क्वेश्चन बताइए जिससे, जो आपको पता है। नहीं पता है, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अजय सोलंकी। अजय, कितने क्वेश्चंस किए आपने? सर मेरे तो मतलब टाइम कम पड़ा, मेरे को टाइम कम पड़ा, पर क्वेश्चंस आपने जो किए उनमें से कोई याद रहा आपको? हाँ, रीजनिंग में आए थे, श्रृंखला से आए थे सर। श्रृंखला से आए, हिंदी का कोई क्वेश्चन याद रहा? नहीं नहीं सर, कर ही नहीं पाया। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, कितने क्वेश्चंस अटेंड करके आए? मनीषा 70 क्वेश्चन अटेंड कर दिए, टाइम कम नहीं पड़ा आपको? जी नहीं सर, एक्स्ट्रा था टाइम हमारे पास, एक्स्ट्रा टाइम बच गया। और चलो ठीक है, तो आप ये बताइए मुझे, इधर आ जाइए थोड़ा। मनीषा ये बताइए, हिंदी में कहाँ से पूछा गया, कोई क्वेश्चन से याद रहा? आपने इंग्लिश अटेंड किया, इंग्लिश में थोड़ा आसान था या हिंदी आसान था? मैंने हिंदी देखा ही नहीं, इंग्लिश ही अटेंड किया और वो पूरा इजी था। चलो ठीक है, करंट अफेयर्स और जीके की बात करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन था? करंट थोड़ा सा मतलब कि ऐसा था कि वो मतलब अलग ही था कुछ, ये मतलब जो मैंने पढ़ा ना, मैंने पूरा ईयर का पढ़ा हुआ है। ओके, फिर भी उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं बना। स्टैटिक बहुत अच्छा था, स्टैटिक एकदम मतलब जो अपन ने पढ़ा है बुकिश, अगर देखे अपन लूसेंट या किसी भी नॉर्मल बुक से भी पढ़ ले तो भी बन जाएगा, इतना इजी था स्टैटिक। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूँ गणित में, तो गणित में कहाँ से पूछा गया? मैथ्स तो सारे टॉपिक्स थे, अगर अपन एडवांस की बात करें तो एडवांस इतना नहीं था, एडवांस के सिर्फ 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे, वो भी बहुत इजी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, बाकी पूरा बन गया मेरा तो। क्या लगता है आपको, बहुत आसान था पेपर या इजी था, मॉडरेट था? मतलब ये मॉडरेट था, सिर्फ वो जीएस में अगर करंट की बात करें तो वही था सिर्फ, और स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन। क्या कट ऑफ रह सकता है आज का? तो आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा तो अच्छा गया। अच्छा चलो ठीक है, आप मान लो कि आप क्वालिफाई कर जाते हैं रिटर्न एग्जाम, तो आप, क्या नाम है आपका? अजय मीना। अजय मीना, आपका क्या नाम है? आपने क्वेश्चंस कितने अटेंड किए? अजय, ये बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे आपको? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल करने भी नहीं देना। अच्छा ये बताइए कि हिंदी में कहाँ से आया? हिंदी में तीन तो रिक्ति स्थान से, लोक नृत्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए थे? आया था जो कि सितारा देवी किससे संबंधित है, मणिपुर से भरतनाट्यम से, कुछ कथकली और एक असमिया से दे रहा था। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आपको याद रहे?
और एक एसआई कंटर पूछा, सीआई और एसआई कंटर, सीआई और एसआई का पूछा रहता। कहाँ जा रहे हो भाई आप, क्या नाम है आपका? संदीप शर्मा। संदीप, कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? सर रीजनिंग के सारे हो गए। अभी हमें बताया गया कि एसएससी जीडी मतलब कि इन बच्चों से पूछो कि कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पेपर सरल था या फिर कठिन था ये बताइए आप। सर मैथ्स के 6 क्वेश्चन नहीं बन पाए। मैथ्स के 6 क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट था पेपर। मैथ्स सबसे सिंपल था, मतलब एक तो मिश्रण, एक मिश्रण का सवाल था और उसमें से एक सी आई एस आई का डिफरेंस दे रखा था और एक बेलन का सवाल था। तीन क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र, कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? 71 किए। अच्छा, कोई हिंदी का क्वेश्चन बताइए या फिर? सर गंगा का पूछा था, उसमें पर्यायवाची। गंगा का पर्यायवाची पूछा था। अच्छा, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन याद रहे आप लोगों को? उत्तर प्रदेश से 2 क्वेश्चन आए थे। पहले आप बता दीजिए, आजमगढ़ से विधानसभा सीट से कौन जीता था? हाँ, तो इसमें मैं गलत करके आ गया, अखिलेश यादव करके, इसमें जिसका आंसर था दिनेश लाल यादव। ओके, आप बताइए। महेश यादव ऐसा कुछ था उसमें, दक्षिण की। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा अर्जित। कितने क्वेश्चन अटेंड किए अर्जित? 58 कोई क्वेश्चन याद रहा आपको? सर मैथ्स जो था ना वो ट्रिकी था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग था, बट अपने को टाइम यूटिलाइज करना आता है तो फिर पेपर इजी ही लगेगा, और ज्यादा कोई दिक्कत वाली पेपर नहीं, मॉडरेटिव पेपर। अच्छा चलो ठीक है, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन याद रहा आपको? करंट अफेयर का तो ऐसे याद नहीं है, बट मैडम ये बच्चे आपको सेंटर पे परेशान तो नहीं कर रहे? ओके ठीक है, मत बताइए। मैक्स के जरूर। चलो ये जितने भी कैंडिडेट है एसएससी के, जितनी भी लड़कियां, देखो सुन लो, कैसा था पेपर? सब मॉडरेट पेपर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम कंज्यूम करके घबराएंगे नहीं तो सर सही पेपर है। पहले आपने कौन सा पार्ट अटेंड किया? मैंने सबसे पहले रीजनिंग का पार्ट अटेंड किया, क्योंकि मेरे को रीजनिंग से क्या है कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने को रीजनिंग बहुत ईजी रहती है, अपने को पेपर करने में बहुत आसान लगता है, आगे क्लिक कर जाता है जल्दी पेपर अपने को। चलो लास्ट में, अंत में एक ही बात लड़कियों से पूछना चाहूंगा, इतनी सारी लड़कियां, घबराहट तो नहीं हो रही आप लोगों को? बोल तो पा नहीं रहे हो आप, घबराहट तो नहीं हो रही है? मुझे नहीं लगता है कि इनको घबराहट हो रही है, क्योंकि बोल नहीं पा रहे, घबराहट। लड़के बोल दो, घबराहट तो नहीं हो रही है एग्जाम से पहले? अरे घबराहट तो नहीं हो रही है? चलो सभी को गुड लक, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।